हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ राहुल मित्तल, राहुल मोटर ट्रेनिंग ड्राइविंग स्कूल मेरा है और मैं ड्राइविंग सिखाता हूँ पिकनिक स्पॉट रोड पे फरीदी नगर मुंसी खुरम नगर के पास। 15 डेज का कोर्स होता है मेरा, जिसमें आपका टेक्निकल से रिवर्स करना, पार्किंग करना, स्लोप प्रैक्टिस फ्रंट में, रिवर्स में, नाइट की प्रैक्टिस 3 से 4 डेज, जिसमें 10 किलोमीटर्स पर डे या हाफ एन आवर डेली का रहता है। टाइमिंग रहती है सुबह मॉर्निंग में 5 से 12, शाम को 3 से 10। ठीक है, 25 पीपल्स पर डे अटेंड करता हूँ मैं, जिसमें कि ड्राइविंग सीखना बहुत आसान है। जैसे कि ये मारुति सुजुकी की जेन गाड़ी है, 4 पिस्टन की गाड़ी है, 1000 सीसी का इसका इंजन है, 5th गियर की गाड़ी है, जैसे कि आप देख रहे हैं 1 2 3 4 5 R रिवर्स, ठीक है ना, जिसमें कि इसमें डबल क्लच ब्रेक होता है, लेफ्ट साइड में भी क्लच ब्रेक है, जो कि मतलब ट्रेनर उसको कंट्रोल कर लेता है। अगर आपसे आउट ऑफ कंट्रोल गाड़ी हो रही है तो उसको वो कंट्रोल कर लेता है, जिससे गाड़ी सीखना बहुत आसान है। जब किसी चीज़ को आप बार बार करते हैं तो आपकी प्रैक्टिस में आ जाता है, जिसमें आप देख रहे हैं यहाँ पे आपका ये लेफ्ट साइड में एक्सीलेटर है, ये बीच वाला ब्रेक है, ये क्लच है, A4 एक्सीलेटर, ये आप देख रहे हैं मेरे पैर को, A4 एक्सीलेटर, B4 ब्रेक और C4 क्लच, ठीक है, जिसमें कि आपका एक्सीलेटर वाला जो पैर है वो ब्रेक पे यूं रहता है, एक्सीलेट ब्रेक टू आपका जाना चाहिए, हील नहीं उठना चाहिए। और क्लच का काम इतना होता है सिर्फ, जैसे कि आप गाड़ी स्टार्ट करते हैं, अगर गियर में गाड़ी है तो क्लच दबा के स्टार्ट करेंगे, न्यूट्रल है तो क्लच की कोई ज़रूरत नहीं है। स्टार्टिंग करने से सबसे पहले आप अपना न्यूट्रल चेक करेंगे, ये देख रहे हैं आप न्यूट्रल, अगर आपका ये गियर लीवर यूं फ्री है तो न्यूट्रल है, तो विदाउट क्लच आप गाड़ी स्टार्ट कर सकते हैं। स्टार्ट करने से पहले आप क्या करेंगे, सबसे पहले सीट बेल्ट लगाएंगे। सीट बेल्ट लगाने के बाद अपना लुकिंग ग्लास, ये है साइड मिरर, इसको सेट करेंगे। साइड मिरर सेट करने के बाद साइड में आपको ये दिखता है कि अगर साइड में कोई देख रहे हैं आप, साइड में अगर कुछ लोग काम कर रहे हैं तो वो दिख रहे हैं साइड में, अगर राइट साइड से आपको कोई ओवरटेक कर रहा है तो आपको दिखेगा। सबसे इंपॉर्टेंट होता है ये लुकिंग ग्लास, ये आपको बीच साइड में दिख रहा है, ये लुकिंग ग्लास है, इसमें आपको बैक साइड दिख रहा है। 100% लुकिंग ग्लास से आप गाड़ी ड्राइव कर सकते हैं, साइड मिरर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता है। स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले लुकिंग ग्लास सेट कर लिया और ये सीट बेल्ट लगा लिया, उसके बाद इनिगेशन ऑन करेंगे। इनिगेशन ऑन करने के बाद आपकी मीटर में लाइट आ गई सारी चीज़ों की, उसके बाद न्यूट्रल है, फिर हमने गाड़ी स्टार्ट कर दिया। गाड़ी स्टार्ट करने के बाद फिर उसके बाद हमने 1st गियर, ये गियर है आपका लेफ़्ट, ले जाके इसको लेफ़्ट की तरफ टेंशन देके, ये 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th रिवर्स, ये लेफ़्ट ले जाके 1st गियर करेंगे। उसके बाद ये देखिए धीरे 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 मैंने क्या करा, मेरा पैर ब्रेक पे है, मैंने क्लच को धीरे धीरे रिलीज़ किया, धीरे धीरे, और ब्रेक वाले जब 70% मैं क्लच को छोड़ रिलीज़ कर रहा हूँ, 70% क्लच को रिलीज़ करने के बाद गाड़ी मूव होने लगेगी। देखिए धीरे धीरे गाड़ी धीरे धीरे ये निकल स्टार्ट मूव होना स्टार्ट हो गया, ठीक है। ये स्टीयरिंग है मेरा, मैंने राइट की तरफ स्टीयरिंग काटा, टर्न करा, गाड़ी मूव हो गई। उसके बाद 2nd गियर के लिए 20 की स्पीड होनी चाहिए, 1st गियर की जो स्पीड होती है वो 0 से 10 होती है, विदाउट एक्सीलेटर 1st गियर में आप मूव कर सकते हैं। जैसे कि बाइक वगैरह होती है उसमें क्या है, जब आप एक्सीलेटर को छोड़ देते हैं तो गाड़ी आपकी थोड़े टाइम बाद रुक जाती है, कार में इसका RPM ऑलरेडी इतना होता है कि 1st गियर 0 से 10 की स्पीड अपने आप ऑटोमेटिक रहती है, तो आपको एक्सीलेटर पे पैर रखने की ज़रूरत नहीं है, वहाँ पे आपको क्लच और ब्रेक पे पैर रखने की ज़रूरत है। 2nd गियर में डीजल गाड़ियाँ जो होती हैं वो 2nd गियर में आप मूव कर सकते हैं, पेट्रोल गाड़ी जो है उसको आप 1st गियर में मूव कर सकते हैं। तो उसके लिए क्या करेंगे हम, जैसे कि गाड़ी मेरी अभी स्टार्ट है, मैंने 1st गियर में गाड़ी मूव करी, वापस फिर क्लच लिया और ब्रेक ले लिया, गाड़ी स्टॉप हो गई, उसके बाद मैंने ये न्यूट्रल कर दिया। न्यूट्रल करने के बाद अभी मुझे अगर रिवर्स करना है तो रिवर्स के लिए मैंने ये गियर लीवर पकड़ा, ये न्यूट्रल है, इधर राइट टेंशन देके नीचे किया, ये रिवर्स गियर लग गया मेरा। धीरे धीरे मैंने क्लच को रिलीज़ किया, एक्सलेट पे पैर रखा, धीरे धीरे मेरी गाड़ी पीछे जाने लगी, पीछे जा रही है, मैंने लुकिंग ग्लास में फोकस किया, गाड़ी मेरी पीछे जा रही है धीरे धीरे। उसके बाद मैंने न्यूट्रल किया, गाड़ी रोकना है, क्लच दबाया, ब्रेक ले लिया, गाड़ी स्टॉप हो गई। ड्राइविंग के टाइम आपको 2-3 चीज़ों का ध्यान देना है, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, कि आपका 100% फोकस सामने रहना चाहिए, और लुकिंग ग्लास साइड मिरर आपकी तीसरी आंख होती है, लुकिंग ग्लास साइड मिरर जो होता है वो आपकी तीसरी आंख होती है, उससे आप बैक साइड का फोकस कर सकते हैं, जिससे कि आपको
गाड़ी के बारे में बैक साइड का दिखता रहे, रोड पे इतना ट्रैफिक होता है जिससे कि स्टार्टिंग में आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। जहाँ पे आप बैठे हैं ड्राइविंग सीट से आगे बोनट, जो जिस गाड़ी के बारे में मैं बात कर रहा हूँ, मारुति सुजुकी की जेन गाड़ी है, तो इसका जो बोनट है आगे ड्राइविंग सीट से 6.5 फीट आगे इसकी लेंथ होती है। उसके बाद ड्राइविंग सीट से बैक साइड का 4.5 फीट का एरिया होता है और इसकी जो चौड़ाई होती है वो 5.5 फीट की होती है। ये देख रहे हैं आप, ये पॉइंट्स बना हुआ है यहाँ पे, ये पॉइंट्स बना हुआ है। यहाँ पे राइट साइड का व्हील है, राइट साइड इसके नीचे राइट साइड वाला व्हील है। उसके बाद ये आप ये बीच वाला पोर्शन देख रहे हैं, ये पॉइंट्स देख रहे हैं, ये यहाँ पे इससे आप राइट साइड का फोकस कर सकते हैं। ये यहाँ पे लेफ्ट साइड का पॉइंट्स बना हुआ है, देखिए ये यहाँ पे, और ये आपका लेफ्ट वाला व्हील है। इसके नीचे यहाँ से 1 फीट एक्स्ट्रा जगह आपको लेनी होती है। जैसे कि आप यहाँ बैठे हैं ड्राइविंग सीट पे, यहाँ से आप 5 फीट लेफ्ट साइड एरिया छोड़ के चलेंगे तो गाड़ी आपकी हमेशा 1 से 1.5 फीट ऑलरेडी रोड से छुटी रहेगी। लेफ्ट में आप एंटीना देख रहे हैं, यहाँ तक आपकी गाड़ी लंबी है, ठीक है ना। बाकी नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको और बहुत सारी चीज़ें समझाऊँगा, तो प्लीज़ इस मेरी वीडियो को शेयर करिए, सब्सक्राइब भी करिए। फिर मैं मिलता हूँ आपसे एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू।